इतना हम कर सकते हैं नियमानुसार, तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फ़ोन पर तब भी धमकी सी दी कि सारे अधिकारी चोर होते हैं, सबके संगमरमर लगे होते हैं घरों में, उखड़वा दूंगा मैं, इस तरह की बातें उन्होंने कल भी करी हमसे फ़ोन पे। ठीक, उसके बाद आज करीब मैं पीछे काम कर रहा था साइड पे, कोर्ट केस के केस में वो देख रहा था पेपर वगैरह, तभी वही सज्जन जिनके घर में कल चोरी मिली थी वो आज आए। उन्होंने कहा साहब मैं बिजली जुड़वा दें, मैं जमा करना चाहता हूँ। हमने तुरंत निकलवाया उनका, लगभग 2.5 लाख के आसपास बना था उनका। हमने कहा आप 40% जमा कर दें, हम जुड़ने के आदेश कर देते हैं बिजली आपकी। ठीक, तो वो बाहर को चले गए तुरंत ही। और उसके 2-3 मिनट बाद जो मुझे बाद में बताया गया कि मेरे फ़ोन पे 2-3 फ़ोन किए हैं, मेरे पास नंबर सेव नहीं था, ठीक किए गए हैं और फ़ोन नहीं उठा रहे एक्शन साहब, मतलब तुरंत ही 2 या 3 मिनट बाद ही उन सज्जन के बाहर जाते ही लगभग 15-20 लोग चिल्लाते हुए कौन है मनोज, कौन है मनोज, ऐसा चिल्लाते हुए बाहर की तरफ अंदर की तरफ आए कमरे में। ठीक, मैं परिचित नहीं था उनमें से उस टाइम किसी से भी, बाद में परिचय हुआ कि MLC साहब हैं हमारे। ठीक, तो मैं खड़ा हुआ तुरंत ही, नमस्ते करी। ठीक, मैंने कहा बैठे तब तक, लेकिन उन्होंने मुझे जकड़ लिया 4-5 लोगों ने उनमें से, और घसीटते हुए बाहर बिठाओ गाड़ी में। मतलब हम समझ भी नहीं आए कि प्रकरण क्या है, वो कल से ही जुड़ा प्रकरण था, वो चोरी चोर कंज्यूमर को छुड़ाना चाहते थे एक, जिसके लिए हमने मना कर दिया था कि साहब छोड़ा नहीं जा सकता। और उसके लगभग आधे घंटे बाद ही कल की चेकिंग में डायरेक्टर साहब भी, हमारे SC साहब भी सब साइड पे पहुंचे भी, उनको दिखाया भी क्या साहब ये चोरियां पकड़ी हैं आज यहाँ पे, उस केस को भी दिखाया गया था और उनको बताया भी गया डायरेक्टर साहब को कि साहब MLC साहब का फ़ोन आया था और वो इस तरह से कह रहे थे, ये कल उनकी जानकारी में ले आए थे हम चीज़, हमारे दरोगा जी भी ले आए थे, हम भी ले आए थे जानकारी में, तो घसीट कर इधर गैलरी में ले आए, तो हमारे एकदम कर्मचारी सजग हो गए, 10-15 कर्मचारी तो हमेशा दफ्तर में रहते ही हैं, उन्होंने मेल जो थे वो सामने आए, उन्होंने रोकने की कोशिश की हमें बचाने की, तो वो बलपूर्वक उनको हटा दिया गया, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाए, काफ़ी लोग थे। ठीक, लेकिन हमारे उसके बाद हमारे दफ्तर की महिला कर्मचारी तब तक मुझे बहुत बाहर तक ले आए, गैलरी के बाहर तक एकदम बिल्कुल लगभग 10 मीटर से ज़्यादा घसीटते हुए। ठीक, फिर यहाँ पर महिला कर्मचारी एकदम गेट के सामने अड़के खड़ी हो गई कि हमारे 3 महिला कर्मचारी थी कि कैसे ले जाओगे हमारे साहब को, आप कैसे बदतमीजी कर रहे हो, आप मारपीट कैसे कर रहे हो हमारे अधिकारी के साथ आप। ठीक, उनके साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा जबरदस्ती महिलाओं के साथ वो नहीं कर पाए। ठीक, तो वहाँ पे वो ढीले पड़े, फिर वापस हमें पीछे ही ले गए, फिर खैर बैठे बातें शुरू हुई, मतलब हमने कहा बताएं साहब क्या मुद्दा है, तो वो कल वाला मुद्दा गोल कर गए एकदम से, एकदम भाषा बदल गई उनकी टोन, मतलब माननीय विधायक जी की हमारे MLC साहब की। ठीक, मैंने कहा सब कल आपने उसके लिए बोली, तब वो वहाँ पे एकदम गोल कर गए, नहीं मैंने तो कोई पैरवी नहीं करी थी, लेकिन वो सामने सज्जन खड़े भी थे जिनकी वो पैरवी कर रहे थे, वो भी कमरे में थे उस टाइम पे। ठीक, बाद में जब चीज़ें खुल गई तो वो उन सज्जन से बात भी करने लगे, बताओ कैसे जुड़वाई जाए, छोड़ो अभी क्या बात करें तुम्हारी, इस तरह की बातें वो करने लगे। आपके साथ मारपीट भी हुई? जब मुझे घसीटा गया तो मुझे पीछे से मारा भी किया सर, इसमें कोई कहने में मुझे गुरेज नहीं है, मेरे हाथों में भी नोचा गया बुरी तरह, मारा भी किया और पीछे भी मारा गया मुझे। यहाँ पे खुद मौजूद थे जी, वही थे सबसे पहले, तो आगे तो वही आए थे खुद ही, उसके साथ 10-15 लोग थे। अभी आपने पुलिस को तहरीर शिकायत दी? जी देने जा रहे हैं साहब, बस अभी तुरंत देने जा रहे हैं। मनोज अग्रवाल जो कह रहे हैं कि मारपीट हुआ है, तो निराधार है, सरासर गलत है। मैं यह बताना चाहता हूं कि मनोज अग्रवाल एक CN हैं, इनको आज मैं लगभग 5-6 बार फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जब फ़ोन नहीं उठाया तो मुझे लगा कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, जब हम जैसे विधायक विधान परिषद जब प्रतिनिधियों का ये अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो मुझे जाना चाहिए ऑफिस में, देखना चाहिए कि हाँ हाँ या कहीं और वर्क कर रहे हैं। ऑफिस पहुँचे फिर मैंने फ़ोन लगाया, क्योंकि मैं पहचानता नहीं था मनोज अग्रवाल को। फिर घंटी बजे तो मैंने कहा मनोज अग्रवाल कौन है, तो इन्होंने बताया मैं, हमके फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, तो इन्होंने कहा आपका नंबर सेव नहीं है। मैंने कहा मैं सुरेंद्र चौधरी विधान परिषद सदस्य हूँ, कहाँ हाँ बताइए। तो इसका पहले बात बोलने का टोन नहीं सही था, कुर्सी पर बैठा था, एक जट प्रतिनिधि गया है, विधायक बताने के बावजूद भी कुर्सी पर बैठा था, और यह इसको बात करने का ढंग नहीं था, शब्दों का प्रयोग करते हुए जात सूचक शब्दों को बात कहते हुए कि ऐसे तमाम विधायक आते जाते रहते हैं हमारे यहाँ, इतना हमारे पास समय नहीं है ना, मैं उठा पाता हूँ, कोई काम हो तो आप मुझे बताओ। इस तरीके से अभद्र व्यवहार करने वाले अधिकारी, पहली बात तो इनको सस्पेंड और निलंबन तक कर देना चाहिए, और दूसरी बात 3 साल इनको यहाँ पे हो गया, अभी तक यहाँ प्रयागराज में कैसे पड़े हुए हैं, और जहाँ से आए हुए हैं
डिमोशन होकर आए हैं। ये भ्रष्टाचार अधिकारी है और इसको चल अचल संपत्ति को जांच होना चाहिए। और आज जो यह मारपीट बता रहा हूँ, इसके खिलाफ FIR भी जाट टाउन में दे दिया हूँ लिखने के लिए। इसके खिलाफ मुकदमा SC ST होना चाहिए और इसको जेल भेजना चाहिए। और जो आरोप लगा रहा है कि हम किसी के बिल माफ करा रहे थे, तो मैं कहते हैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जांच करा ले। उसके परिवार से ये स्वयं 50,000 रुपये की डिमांड कर रहा है, वो मुझे आज पता चला है। 1-2 घंटा विवाद के पहले पता होता तो मैं वही बात कहता, मगर अब पता चला, उस अपडेट वाला नहीं बताए थे, वो बताए कि 50,000 रुपये हमसे डिमांड किया जा रहा है। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और हमने आदरणीय योगी जी, आदरणीय डिप्टी CM हिंदू हृदय सम्राट केशव प्रसाद मौर्य जी को, आदरणीय अरविंद शर्मा जी को मैंने सूचना दे दिया हूँ, अब बता दिया हूँ ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि जब प्रतिनिधि का फोन 1-2 बार में नहीं उठ रहा, जब 6-6 बार नहीं उठ रहा, तो ये हमारे सपा